प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर गुरुग्राम से। आपको बता दें कि गुरुग्राम के फिरोज गांधी इलाके में फायरिंग की ये सनसनीखेज घटना सामने आ रही है। बता दें कि 28 साल के मनीष नाम के युवक को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी के मुताबिक घटना के समय मृतक युवक XUV 500 गाड़ी में सवार था, जिस वक्त बदमाशों ने उसे गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि यह घटना सोमवार सुबह तकरीबन 11:30 बजे के आसपास की है, जिस वक्त बदमाशों ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया और दो हथियार बंद बदमाशों ने ये फायरिंग की घटना की। बता दें कि फायरिंग की ये पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और पुलिस की टीम इसी CCTV के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि गुरुग्राम के फिरोज गांधी इलाके में फायरिंग की ये खबर सामने आ रही है, जहां पर 28 साल के मनीष नाम के युवक को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया गया है। और बता दें कि जिस वक्त ये वारदात को अंजाम दिया गया, मृतक मनीष अपनी XUV 500 नाम की इस गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहा था, तो बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि यह घटना सुबह तकरीबन 11:30 बजे के आसपास की है, जब दो हथियार बंद बदमाशों ने ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि ये पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, अभी हमें ये जानकारी मिली कि यहाँ फायरिंग हुई है और जो डिजीज है उसको हॉस्पिटल लेके गई है और इसके मुकदमा दर्ज करने के लिए हमने कह दिया है थाने के अंदर, और जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी विल आइडेंटिफाई। कहाँ की घटना है सर ये और कितने बजे की वारदात है? ये यहाँ की फिरोज गांधी कॉलोनी है, न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन हमारा पड़ता है, उसके अंदर आता है और अभी आधे घंटे पहले की घटना। कितनी गोलियाँ मारी गई हैं सर? वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। कौन है मृतक, कहाँ का रहने वाला है सर? अभी तक जितना बताया गया है कि बसई गांव से इसका ताल्लुक बताया जा रहा है। नाम क्या है सर? वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सीन ऑफ क्राइम टीम आई हुई है तो बाद में पता चलेगा।